साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे का केस अब बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है। आकांक्षा की मां और वकील ने मिलकर हर वो सबूत, हर वो गवाह उठा लिया है जो कि कोर्ट में एक बार में ही साबित कर देंगे कि उनके आरोप बिल्कुल सही हैं। समर सिंह ही आकांक्षा का असली गुनहगार है। इसी बीच अगर संजय सिंह भी सरकारी गवाह बन जाता है तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। इसी बीच समर सिंह के लिए एक और बुरी खबर है और ये खबर समर के वकीलों की तरफ से आ रही है। जी हां, समर सिंह ने खुद को बचाने के लिए जो महंगे वकीलों की फौज लगा रखी थी वो फौज आपस में ही लड़ पड़ी है। शहर के तीन सबसे बड़े वकील समर सिंह के केस को लेकर एक मत नहीं है, या कहें कि एक राय नहीं है। तीन में से दो वकीलों ने तो केस नहीं लड़ने का फैसला ले लिया। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही। इसके अलावा हैरानी की बात यह है कि वकील तो वकील, समर का परिवार भी पूरी तरह से केस से किनारा कर चुका है। जेल जाना तक बंद कर दिया, समर सिंह से मिलना जुलना बंद कर दिया और जेल में समर सिंह अकेला पड़ गया है। तो क्या बिना वकील के ही समर सिंह को जाना पड़ेगा कोर्ट? तो आपको वकीलों की लड़ाई से लेकर केस में आगे क्या होगा, घर वालों का क्या कहना है, इसकी पूरी डिटेल आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को तुरंत शेयर भी करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आकांक्षा के इंसाफ के लिए लगातार खड़े भी रहें। तो समर सिंह इस वक्त वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद है, दूर दूर तक बाहर निकलने की कोई गुंजाइश है नहीं। जो समर सिंह अब तक खुद को बेगुनाह बता रहा था, निर्दोष बता रहा था, उसके खिलाफ इतने सबूत आ चुके हैं कि अब भगवान भी समर सिंह को बचा नहीं सकता। सबसे बड़ा सबूत तो वो वीडियो है जिसमें आकांक्षा रो रही है, रो रो कर कह रही है कि अगर उसे कुछ भी होता है तो समर सिंह अकेला इसका जिम्मेदार होगा। अब ये वीडियो समर सिंह के लिए किसी फंदे से कम नहीं है क्योंकि इसमें आकांक्षा खुद अपने मुंह से समर सिंह का नाम ले रही है और कुछ भी होने की आशंका जता रही है, जिम्मेदार समर सिंह को बता रही है। भला इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? आगे देखिए। अब जैसे ये वीडियो सामने आया उसके बाद हर तरफ हंगामा हो गया और ये हंगामा, ये बवाल समर सिंह के वकीलों की फौज तक भी पहुंच गया। समर सिंह ने शहर के तीन बड़े नामी वकीलों को खुद के केस के लिए हायर कर रखा है। तीनों ही महंगे वकील हैं, अनुभवी वकील हैं और एक से बढ़कर एक केस जीत चुके हैं। और समर सिंह को भी लग रहा था कि यही वकील उसे आसानी से बचा लेंगे, जमानत तो दिलवा ही देंगे, केस में निर्दोष भी साबित करवा देंगे। मगर वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में चोट नहीं होती, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। और मामला बिल्कुल उल्टा पड़ गया है क्योंकि समर के इन तीनों ही वकीलों ने केस से हाथ खींच लिए। ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। खासकर दो वकील तो अब साफ साफ कह चुके हैं कि केस नहीं लड़ेंगे और एक वकील लड़ना तो चाहता है मगर अब वो लड़ेगा नहीं। और इसका मतलब यह है कि तीनों ही वकील केस को बीच में छोड़ रहे हैं और ये सबसे बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है। सूत्रों के माने तो वकीलों का कहना है कि ये केस पूरी तरह से एक तरफा हो चुका है। आकांक्षा की मौत को लेकर इतना बड़ा सबूत आ चुका है कि इसमें समय और अपनी इमेज दोनों ही खराब करने का कोई फायदा नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वकीलों का कहना है कि हम मानते हैं कि हमें पेशेवर होना चाहिए, वो हम है भी, मगर यहाँ पर एक ऐसी लड़की को खत्म किया गया जो कि पूरी तरह से मासूम थी, निर्दोष थी, उसका कोई कसूर नहीं था। फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ अपना नाम कमाना चाहती थी, अपना काम करना चाहती थी, अपने परिवार का कमाई का एकमात्र जरिया थी, अपने परिवार का सहारा थी, लेकिन उसे खत्म कर दिया गया। सूत्रों की माने तो वकीलों का कहना है कि अब तक ये केस हमें डिप्रेशन का लग रहा था, पैसे को लेकर लग रहा था, मगर अब जब से वीडियो देखा है तब से सारी ओपिनियन इस केस को लेकर पूरी तरह से बदल चुकी है। उस लड़की के आंसू, उसकी टीस, उसका दर्द, उसका दुख, हमारा मन पूरी तरह से बदल चुका है, हमें पसीज चुका है और हम अपनी इच्छा से इस केस को बीच में ही छोड़ रहे हैं, ये वकीलों का कहना है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वकीलों ने यह भी कहा कि माना कि हमें इस केस के बदले मोटा पैसा भी मिलता मगर हर बार पैसा ही सब कुछ नहीं होता, अपना ईमान भी बहुत कुछ मायने रखता है। सूत्रों की माने तो इसके बाद से तीनों वकीलों ने समर सिंह से बात करना तक बंद कर दिया है, उसके केस से जुड़ी फाइलों को उसके ही घर भिजवा दिया है। अब समर सिंह के लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं है क्योंकि जब ये तीनों वकील केस लड़ने से मना कर चुके हैं तो शहर में कोई और भी वकील इस केस को हाथ लगाएगा ही नहीं और लगाना चाहेगा भी नहीं और किसी और वकील से अप्रोच करेगा भी कौन, क्योंकि समर सिंह और संजय सिंह दोनों जेल के अंदर हैं। समर सिंह का परिवार तो गिरफ्तारी के डर से पहले ही फरार है, घर पर ताला लग चुका है और समर सिंह के करीबी या कहें
समर सिंह के जो शुभ चिंतक थे वो समर सिंह से अब कोई मतलब रखना नहीं चाहते हैं। समर सिंह के दूर दूर तक कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि किसी को अप्रोच करे, तो ऐसे में समर के लिए किसी और वकील को हायर करने की कंडीशन अब बची नहीं है। अब सामने ये भी आया कि जब से वो वीडियो आकांक्षा का सामने आया है तब से समर सिंह अपने वकीलों को बात करने के लिए लगातार बुला रहा है, मगर उसे वकील एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, जिससे समर सिंह को जेल के अंदर भी अंदाजा हो गया है कि कुछ तो गड़बड़ है। ना तो परिवार से कोई मिलने आ रहा है, ना ही लीगल टीम की तरफ से कोई मिलने आ रहा है। अब समर सिंह के लिए एक तरफ कुआ तो दूसरी तरफ खाई वाली कंडीशन है, लेकिन हाँ ये तय है कि समर सिंह को अब गिरना जरूर है, उसका पूरा का पूरा हिसाब होना जरूर है और आकांक्षा का पूरा इंसाफ होना भी जरूर है। तो क्या अब समर सिंह कोर्ट में बिना वकील के ही जाएगा और क्या समर सिंह की पैरवी करने वाला कोई बचा नहीं है? एक वीडियो ने समर सिंह की जिंदगी की असली सजा शुरू कर दी है, असली इंसाफ शुरू कर दिया है। तो आपका वकीलों के इस फैसले पर क्या कहना है? क्या समर सिंह जैसे आरोपियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस बड़ी खबर को, इस बड़े खुलासे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर भी करें और आकांक्षा के इंसाफ के लिए लगातार लड़ते रहें, खड़े रहें। तो 25 मार्च को आकांक्षा के साथ जो कुछ हुआ वो डरावना था, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावना था वो सब कुछ जब आकांक्षा का अंतिम संस्कार बेहद जल्दबाजी में करा दिया गया। आकांक्षा की मां बोलती रही कि पहले समर सिंह को पकड़ो, जेल में डालो, सीबीआई जांच पर फैसला हो, लेकिन इतनी जल्दबाजी में आकांक्षा के फाइनल रिचुअल्स किए गए कि सब हैरान हो गए। और ये सब कुछ करवाने वाली कोई और नहीं थी बल्कि वो थी जो खुद को आकांक्षा का करीबी दोस्त बताती है, अनुराधा सिंह। जी हां, मुंबई में रहने वाली बड़ी हीरोइन जो कि बड़े टीवी सीरियल में आती है इमली, सीरियल में दिव्या का रोल निभाती है, वही अनुराधा सिंह। उसी पर गंभीर आरोप लगे हैं कि वो समर सिंह के कहने पर वाराणसी आई और समर के ही कहने पर जल्दबाजी भी करती रही और समर के ही कहने पर सबूत भी मिटा डाले और इसीलिए मुंबई से अचानक वाराणसी पहुंची और आनंद फानंद में सब कुछ करा करके, यानी कि आकांक्षा का वहां पर फाइनल रिचुअल्स करा के सब कुछ मिटा करके वापस चली भी गई, ऐसा आरोप लगाए। अब आकांक्षा दुबे की मां उसके बाद से लगातार आरोप लगा रही है अनुराधा सिंह पर, अनुराधा पर केस दर्ज करने की मांग कर रही है, लेकिन पुलिस ने शुरुआत में कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बाद अचानक से पुलिस ने अनुराधा को पूछताछ के लिए बुला लिया और समन भेज दिया। अब हैरानी देखिए, अब तक अनुराधा सिंह खुद को बेकसूर बता रही थी लेकिन समन भेजने के बाद गायब हो गई। जी हां, पहुंची ही नहीं, हैरानी की हद देखिए। समन भेजने के बाद वाराणसी आकर पुलिस के सवालों के जवाब देना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि अनुराधा सिंह ने समन का जवाब तक नहीं दिया है। खबर तो यहां तक है कि अनुराधा सिंह अंडरग्राउंड हो गई है, फरारी की तैयारी है। जी हां, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से यही आ रही है। अनुराधा की इस बीच कोई खबर नहीं है, कुछ दिन पहले तक वो टीवी चैनल्स पर बैठकर इंटरव्यू दे रही थी, घड़ियाली आंसू भी बहा रही थी, मगर अब उसका कोई पता ठिकाना नहीं है। सोशल मीडिया पर अक्सर एक्टिव रहने वाली अनुराधा सोशल मीडिया से भी गायब है और हालात ये हैं कि अनुराधा सिंह अपने टीवी सीरियल के सेट पर भी नहीं आ रही है। जी हां, ये भी बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि टीवी के सेट पर भी अनुराधा के नहीं आने की खबर है, टीवी सीरियल तक छोड़ने की खबर आ रही है, क्योंकि इमली सीरियल में उसका बहुत अहम रोल है और ऐसे में अगर वो सीरियल बीच में छोड़ती है तो फिर मामला कुछ संगीन हो जाता है, बड़ा हो जाता है, क्योंकि ऐसे ही कोई इतना बड़ा सीरियल नहीं छोड़ेगा, अपना सब कुछ काम छोड़कर गायब नहीं हो जाएगा, सब कुछ दुनियादारी छोड़कर फरार नहीं हो जाएगा, कहीं अकेले छुप नहीं जाएगा। और इसीलिए तो कहा जा रहा है कि अनुराधा सिंह फरार हो गई है, खबर यही आ रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, और इसीलिए अब उसे गिरफ्तार करने की तैयारी है, गिरफ्तार करके ही लाने की तैयारी है। आगे देखिए, अनुराधा सिंह ने जवाब नहीं दिया, समन को नहीं माना, गायब हो गई, फरार होने की खबर तक आ गई, तो वाराणसी पुलिस भी सुपर एक्टिव हो गई। वाराणसी पुलिस ने अपनी एक टीम मुंबई भेजने का फैसला कर लिया, जो कि मुंबई जाकर दबिश देगी, जगह जगह अनुराधा को ठिकाने जहां पर हो सकते हैं वहां पर दबिश दी जाएगी, वहां उसे ढूंढा जाएगा, तलाशा जाएगा और जहां पर मिलेगी, जिस हालत में मिलेगी, दिन या रात जब भी मिलेगी, अनुराधा सिंह को अरेस्ट करके वाराणसी लाया जा सकता है, क्योंकि ये नियम है। अगर कोई समन का जवाब नहीं देता है, समन के बाद भी, बुलाने के बाद भी पुलिस के पास नहीं आता है, तो फिर तो अरेस्टिंग ही होती है, क्योंकि यहां तो गवाह के लिए भी ऐसे नियम है, पर यहाँ तो अनुराधा खुद आरोपी है, यानी कि आरोप बड़ा है, लिहाजा मामला भी संगीन हो गया, अनुराधा के लिए आगे का रास्ता बेहद मुश्किल हो गया। अब किसी भी वक्त वाराणसी से पुलिस की टीम मुंबई रवाना हो सकती है, किसी भी वक्त खबर आ सकती है कि अनुराधा को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि अब यही एकमात्र रास्ता बचा हुआ है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अनुराधा के आने के बाद, पूछताछ होने के बाद ही दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा, पूरा सच पता चल पाएगा कि आखिर उस दिन अनुराधा ने इतनी जल्दबाजी क्यों की, क्या कोई और वजह थी या फिर वो समर सिंह का साथ दे रही थी और आकांक्षा को खत्म करने में उसका क्या रोल है, और अगर रोल नहीं है तो फिर वो बच क्यों रही है पुलिस से, भाग क्यों रही है पुलिस से,
और सामना क्यों नहीं करना चाहती है पुलिस का। तो ऐसे में आपका क्या मानना है? क्या आप भी मानते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका है? क्या आप भी मानते हैं कि अगर अनुराधा ने कुछ गलत नहीं किया तो फिर पुलिस के बुलाने पर क्यों नहीं आ रही है? क्या और ज्यादा सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं। और हाँ, आकांक्षा के इंसाफ के लिए लगातार खड़े रहें, लड़ते रहें, वीडियो को अभी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।